ऐसे हालात दोबारा ना पैदा हो जाएं, इसका खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना की, जिसने नए नाम कोरोना JN1 के साथ दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। शनिवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोविड-19 मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी चिंता का कारण नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्र ने एहतियात के तौर पर गंभीर बीमारों से पीड़ित लोगों को फेस मास्क पहनने की सलाह दी है। इस मुद्दे पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर मधुशील जी। सर, कोरोना का दंश अभी तक देश झेल रहा है, ऐसे में जिस कदर एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, काफी चिंता का विषय है। देखिए, चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरह से 2-3 फेज में जो कोविड आया है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और अलग अलग वेरियंट में, तो देश अब इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क है। स्क्रीन पे आप चला रही हैं कि कोरोना डराएगा फिर से या डरा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है अभी से। अगर अभी से सतर्कता बरती गई और एहतियात जो कोविड के गाइडलाइन है उसका अनुपालन देश भर में अगर हुआ, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इफेक्टिव नहीं है। जो जिस तरह से पहले फेज में, फर्स्ट फेज का जो कोविड था या सेकेंड फेज में, तो वो उस तरह का इफेक्टिव ये नहीं है, क्योंकि कई लोगों को जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका असर कह लीजिए, चाहे एंटीबॉडी जो एक हुआ है लोगों के बीच में, चाहे इम्यूनिट सिस्टम जो है वो बढ़ाने की बात होती है, इम्यूनिटी की बात होती है, तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जो कोविड का गाइडलाइन था उसको फॉलो करने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कई राज्यों ने,
जहाँ कोविड के पेशेंट ज़्यादा JN1 जो ये वेरिएंट आया है तो उससे अभी, लेकिन जो जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक दिन में या 24 घंटे में कल ही 752 कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, चार लोगों की मौत की बात आ रही है कि 24 घंटे में हो गई, तो ये थोड़ी चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि फिर से वो रफ्तार धीरे धीरे और एक्टिव केसों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित केरल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य छूटा है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड की बात करें तो RT-PCR और भी चेक की बात होती है, कोरोना कोविड की जांच की बात होती है, जो सिम्टम, क्योंकि हर बार अलग अलग सिम्टम के साथ, अलग अलग जो उसके सिम्टम है उसके साथ कोविड आ रहा है जी। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क का इस्तेमाल करने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरने से और भी, और अगर हो भी गया है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अब ये लाइलाज नहीं रहा पहले की तरह। जो जिस तरह से एक भयावह स्थिति देश ने देखा है और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जो है वो जीवन लीला समाप्त हो गई इस कोविड के दौरान, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, लेकिन उसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने हैं, जिनका इलाज ठीक से हो गया या कह लीजिए कि वो उनका विल पावर मजबूत रहा। मैं खुद 17 दिन हॉस्पिटल ICU में रह करके, 10 दिन जनरल वार्ड में रह करके या प्राइवेट वार्ड में रह करके बाहर आए सेकेंड फेज वाले में, इसलिए पता है कि अब, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, डॉक्टरों को ये पता नहीं होता था कि किसने उसमें, क्योंकि पहली बार इस तरह की महामारी आई थी तो लोगों को ये पता नहीं होता था कि ऑक्सीजन को किस स्पीड से देना है, 2 लीटर पर आवर की स्पीड से देना है कि 30 आवर पर स्पीड से देना है, तो 3 लीटर पर आवर जो स्पीड होता है तो उसके हिसाब से देना है, तो ये पता नहीं था लोगों को। अब डॉक्टर भी जान गए हैं, जो लोग प्रभावित हैं वो भी जान गए हैं, और जो लोग प्रभावितों के साथ थे, चाहे उनके परिजन हों, रिश्तेदार हों, दोस्त मित्र हों, उनको भी ये पता है कि इसकी भयावहता क्या थी और इस भयावहता से बचने के लिए वो क्या एहतियात बरत सकते हैं पहले से। तो ये प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ना कि डरने की। डरने की कोई जरूरत नहीं जी। बिल्कुल सर, कोरोना के पिछले 2 वेरिएंट की अगर हम बात करें तो उसका असर उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन JN1 वेरिएंट को खतरनाक माना जा रहा है, साथ ही लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। देखिए, मैंने यही कहा कि लापरवाह अगर आप हैं तो उसकी सजा भुगतनी होगी आपको, क्योंकि लोग जब तक होता नहीं है किसी को कोविड, जब तक किसी को हो नहीं रहा था तब तक लापरवाह होते थे लोग। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी कई लोगों ने लापरवाही बरती, लॉकडाउन लागू क्यों किया गया था, लॉकडाउन इसलिए लागू किया गया था कि लोगों से एक दूसरे जगह से दूरी बनी रहे, और उस दूरी बनाने के पहले डिस्टेंस बनाने का मतलब, दो जो एक आप देखिएगा उस समय जो स्लोगन था कि 2 गज की दूरी है ना, तो ये 2 गज की दूरी क्यों थी जरूरी? जरूरी इसलिए थी कि एक डिस्टेंस बना रहे, चूँकि वायरस इफेक्ट, वायरस जनित ये चीज़ है, एक दूसरे से ट्रांसमिट ना हो, तो ये एक ज़रूरत इस बात की है कि आपको लापरवाह नहीं होना है। अगर लापरवाही जरा सा, जैसे सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो सकती है, इसलिए आप लापरवाह ना हो करके, बल्कि जो दूसरे लोग हैं अभी से मास्क का प्रयोग बढ़ जाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग बढ़ जाना चाहिए, हाथों को धोने के लिए लगातार, या दूसरे से संपर्क में आए हर जगह हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जो वायरस है वो वायरस किस रूप में, कहाँ, अब ऐसा नहीं है कि केवल केरल में ही कोविड पॉजिटिव लोग, यूपी में, बिहार में, तमाम जगहों पर लोग पाए जा रहे हैं, भले ही इक्का दुक्का पाए जा रहे हों। और अगर आज का आंकड़ा चौंकाने वाला ये है कि 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई, इसका मतलब ये बहुत, कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अगर 4 लोग इस JN1 कोविड का जो नया वेरिएंट आया है उससे उनकी मौत हो रही है, तो इसका मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। और 752 केस आज पॉजिटिव आया है, हो सकता है, आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले 2-2, 4-4, 5-5 की संख्या में बढ़ते बढ़ते किस तरह से लाखों में मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, कोविड प्रभावित लोगों की, पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ गई थी, तो वो स्थिति ना उत्पन्न हो फिर से, और फिर से एक बार देश लॉकडाउन की तरफ ना जाए, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरह से लापरवाह होकर के लोग जा रहे हैं, बाजारों में, सड़कों पर और तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो अभी से लापरवाही जो होर देखी जा रही है वो लापरवाही घातक हो सकती है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है
कि सतर्क रहें, सजग रहें, लापरवाह न रहें। और जो भी मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, कोविड के से बचने के लिए जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने जो जारी किए हैं निर्देश, उस निर्देश का अनुपालन करें तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर आप भी तैयार हो जाइए कि आप भी पॉजिटिव होना अच्छी बात है हर मामले में, लेकिन कोविड पॉजिटिव होना कभी भी अच्छी बात नहीं मानी गई, क्योंकि लाखों लोग मौत की आगोश में चले गए इससे पहले। जी वही, यूपी केरल सहित कई राज्यों ने कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार कितनी तैयार देख रहे हैं आप, और कितना खतरनाक JN1 और कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग अब इसे नॉर्मल फ्लू जैसा समझने लगा है। देखिए, जो जब मैं अस्पताल में भर्ती था, लगभग 2 महीने से ऊपर मैं भर्ती था और बचने की उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब, 3 हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था, तो मैं खुद की अपने साथ घटी हुई घटना बता रहा हूँ आपको जी। तो डॉक्टर यही बता रहे थे कि जो ये नॉर्मल फ्लू नहीं, जब महामारी होती है, कोविड क्या है, एक महामारी के रूप में उसको चिन्हित किया गया, तो जब महामारी होती है और उससे रिलेटेड सिम्टम, चाहे फ्लू के रूप में हो, फीवर के रूप में हो, सर्दी जुकाम के रूप में हो, तो वो कोविड का ही अंश माना जाएगा। एपिडेमिक और महामारी जिसको बोलते हैं, उसमें कोई दूसरी बीमारी नहीं होती सेम सिम्टम वाली, तो ये उस आंशिक रूप में ही सही वही है। तो जैसे ही शुरुआत हो, इलाज उसकी शुरू हो जानी चाहिए, और जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने, विकसित करने की अपने बॉडी में, वो कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो खान पान के हिसाब से, चाहे रहन सहन के हिसाब से, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, तो वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक स्टेज के बाद अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे अगर जाता है, तो वो डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल होता है उसको ऊपर उठाना, 75 के भी नीचे अगर चला जाए तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था 45, इसीलिए डॉक्टर जवाब दे देते, लेकिन सबों की दुआ, ऊपर वाले का कह लीजिए कि एक साथ, कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और इस पर बोलने की क्षमता भी है अभी, तो वो, लेकिन जो कोमा में कई दिनों तक जो है कोमा में रहने का, कहीं बॉडी में कह लीजिए कि एक तरह से कोई भी हरकत हलचल नहीं थी, आंखें खुल नहीं रही थी, तो उस स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो दिशा निर्देश, अभी आपने अस्पतालों की स्थिति की चर्चा की आपने, अस्पतालों में अभी से मॉक ड्रिल होना शुरू हो गया, अस्पताल अपने आप को तैयार करने लगे, ऑक्सीजन से लैस करने लगे। आपको याद होगा पिछली बार दूसरे फेज का जब कोविड था, तो उसमें जो डेल्टा वेरिएंट, तो उस समय जो था वो अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव हो गया था, और कई ऐसे पेशेंट जो उचित मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाए या उनको उपलब्ध नहीं कराया गया, तो उनकी मौत हो गई। जबकि उनको अगर केवल और केवल ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध करा दिया जाता या उचित मात्रा में, अब होता क्या है कि इसमें पेशेंट अगर 50, 55, 60 के आसपास अगर ऑक्सीजन लेवल चला जाता है, तो उसको 30 लीटर पर आवर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ना तो नर्सिंग स्टाफ को पता होता था पहले, और ना ही डॉक्टरों को पता होता था, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की घटना हुई थी बहुतायत स्तर पर। कई डॉक्टरों ने खुल करके ये बोला कि अंदाज़ा नहीं था, और 2 लीटर प्रति आवर, 5 लीटर पर आवर, और 8 लीटर पर आवर, 10 लीटर पर आवर के हिसाब से, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन चढ़ाते नहीं थे। उनको ये लगता था कि इससे लंग्स ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जबकि उस समय उसकी बॉडी को ज़रूरत होती थी कि 30 लीटर पर आवर के हिसाब से ऑक्सीजन चढ़ाया जाए, 40 आवर पर लीटर के हिसाब से चढ़ाया जाए, और कंसंट्रेटर, एक बड़े बड़े सिलेंडर की जगह कंसंट्रेटर लगाया जाता था, तो वो एक स्थिति इस तरह की बनी हुई थी। और लेकिन अब भारतीय डॉक्टर जो चिकित्सा परिषद है, कह लीजिए जो डॉक्टर हैं, उनको बखूबी ये पता है कि अब किस स्तर के ऑक्सीजन लेवल वाले को कितना प्रति आवर ऑक्सीजन हमको देना है, एक पर आवर कितना ऑक्सीजन लीटर के हिसाब से देना है, अब उनको पता है। तो इसलिए जब अगर कोविड पॉजिटिव आप हो भी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नज़दीकी अस्पताल है या कोविड हॉस्पिटल भी अब चिन्हित किए गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा कोविड हॉस्पिटल है जहाँ कोविड के मरीजों का इलाज होगा, और वहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी पिछले दिनों मॉक ड्रिल हुआ, तमाम हॉस्पिटलों के जो चिकित्सालय हैं उनके यहाँ क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति, और कैसे उसमें अगर प्रति बेड किस तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पहले उस समय
अस्पताल तैयार नहीं थे, डॉक्टर तैयार नहीं थे कि इस महामारी से कैसे निपटना है, तो अब वो भयावहता देखने की जरूरत, वो शायद दृश्य देखने नहीं दिखे, मतलब और यही कामना भी करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह रहें या आप कोविड गाइडलाइन का जो है अनुपालन न करें। अनुपालन जरूर करें, उससे आपके आप खुद तो बचेंगे, आपके जो साथ रहने वाले, आप जिस समूह में काम करते हैं, किसी ऑफिस में या घर में रहते हैं, तो वो आपके घर परिवार के लोग भी सुरक्षित रहेंगे अगर आप लापरवाह नहीं रहे तो, और ऑफिस के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो लापरवाही इस जो है, थोड़ी सी लापरवाही अब कह लीजिए कि आपके जीवन पर संकट पैदा कर सकती है, तो वो लापरवाह नहीं होना है किसी भी, मतलब आम आदमी हो, खास आदमी हो, आपने देखा होगा कि कोविड ने किसी को पहचाना नहीं, आम आदमी भी मौत की आगोश में गए, खास आदमी भी गए, सेलिब्रिटी भी गए, तो ये कई लोगों की इस तरह से मौत हुई है, तो वो उससे सबक लेने की ज़रूरत है, और वो जो सतर्कता और एहतियात बरतना है, मैं बार बार इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, तो वो उस सतर्कता को बरतना जरूरी है, उस सावधानी को बरतना जरूरी है, तभी आप इससे लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल भाई, डॉक्टरों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है JN1 वेरिएंट, लेकिन इसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग बताए जा रहे हैं। JN1 को काफी खतरनाक बताया गया है कि अगर ये एक बार COVID-19 की तरह पूरे देश में फैल गया तो फिर बेहद ही महामारी फैल जाएगी। देखिए, खतरनाक डेल्टा भी नहीं था, मैंने पहले भी कहा कि लापरवाही और उसकी जिस तरह से आप उसका संक्रमण बढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और ससमय इलाज नहीं, पहले लोग इलाज घर पर ही कोशिश करने लग रहे थे कि 10 दिन 15 दिन देखते थे घर में, तब तक वो जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया, लंग्स की स्थिति डैमेज होती चली गई जी। अब इसलिए सावधानी और प्रिकॉशन और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, कोविड हॉस्पिटल में जाना है या किसी भी फिजिशियन जो जिसको आप जहाँ इलाज करा रहे होते हैं वहीं जा कर के आप पहले, तो फर्स्ट एड जरूरी है इसमें, ताकि जांच हो जाए आप पॉजिटिव हैं नहीं हैं। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि आप पेशेंट वो आप पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई लेकिन कोविड आपको है, तो वो जांच के तरीका पर भी निर्भर करता है कि कैसे इस तरह की स्थिति बनती है कि रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन कोविड आपको है, तो वो निश्चिंत नहीं रहना है एक बार दो बार के जाँच में। अगर आपको सिम्टम है, बॉडी में फीवर हो रहा है, फ्लू है अगर, जुकाम है अगर, तो आप एक बार नहीं कई बार आप RT-PCR चेक करा लीजिए, क्योंकि तो ये निःशुल्क जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ निःशुल्क जांच की व्यवस्था है, और अगर पैसे भी लग रहे हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में तो आप वहाँ जाकर के भी जांच करा सकते हैं, लेकिन एक बार निगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लीन चिट दे दिया कि आप कोविड मुक्त हो गए हैं, तो वो एक हमेशा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर सिम्टम जब तक है तो आप 3-4 दिन के इंटरवल पर, अंतराल पर कह लीजिए, आप वहाँ जाएं, डॉक्टरों के संपर्क में जाएं, टेस्ट कराएं, और जो भी डॉक्टर के हिसाब से जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है उसका अनुपालन करें, तभी आप इससे कोविड से लड़ सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल भाई, WHO ने कहा है कि दुनिया भर में 28 दिन में 52% बढ़े कोरोना के मामले, हालांकि भारत अभी भी 26वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस कदर मामले बढ़ रहे हैं चिंता पैदा कर रहा है। एक बार फिर पूछना चाहूंगी कि सरकार कितना तैयार है इस पूरे JN1 वेरिएंट को लेकर के। देखिए, कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, कई राज्य जो है वो वहां पे अस्पतालों में जो सुविधा है वो बढ़ाई जा रही है, बेडों की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन, जितने बेड जितने सैया वाले अस्पताल हैं उस हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, जो जांच के लिए जो तरीके हैं RT-PCR से जांच हो या इंजेक्शन के द्वारा, तमाम जो व्यवस्था है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, जागरूकता भी फैल जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है तमाम माध्यमों से कि, और जो राज्य में जो बाहर से लोग आ रहे हैं अब अभी से सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरकारी स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं, अस्पताल जितने भी चिन्हित किए गए थे पहले कोविड हॉस्पिटल के रूप में या जो अस्थाई अस्पताल बनाए गए थे, उन इलाकों को भी, उन क्षेत्रों को भी तैयार करके रखा जा रहा है कि अगर पेशेंट की संख्या बढ़ी और अस्पताल में सैया की संख्या कम हुई तो वहाँ उनको जगह दी जा सके, और पेशेंट के जो भी मरीज होते हैं कोविड प्रभावित, उनका इलाज ठीक ढंग से हो सके। इसलिए अस्पताल तैयार करने के लिए सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन पहले केंद्रीय जो
स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से उनकी बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, और सभी राज्यों में जो अभी मौजूदा क्या स्थिति है और राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया कि आप ये एहतियात जरूर अपने अस्पतालों में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दीजिए, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, पेशेंट बढ़ते हैं कोविड के, कोविड प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती है, तो उनका इलाज ससमय ठीक ढंग से हो सके। जी बिल्कुल सर, वही ये जो JN1 वेरिएंट है वो लगातार पता चल रहा है कि ये लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। वही कहा जा रहा है कि सरकार भी गाइडलाइन जो है वो जारी कर चुकी है, WHO भी गाइडलाइन जारी कर चुका है। फिलहाल जरूरत बस इतनी है कि हम इस गाइडलाइन को समझें और इसे अच्छे से पालन करें, वरना क्या होगा कि जो COVID-19 जिस तरीके से और डेल्टा वेरिएंट जो था जिस तरीके से पूरे देश पर हावी हो गया और लगातार वो बढ़ते गए संख्या, वो इसके साथ इस वेरिएंट के साथ ना हो, इसलिए हमें इस गाइडलाइन को समझने की बहुत जरूरत है। हम इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए Live7 के साथ। आप देख रहे हैं Live7।